क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट क्या करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। आप जिम जाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को बहुत खूबसूरत फिट बनाना चाहते हैं, पर क्या करें, हो नहीं रहता। आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं पर हो नहीं रहा, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, इसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में वो चीज़ें नहीं क्रिएट कर पा रहा जो मुझे करनी चाहिए। एम आई राइट? तो यदि आप ये बिलीव करते हैं कि डिसिप्लिन के बिना मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ, और बाद में हम आपके लिए एक टैरो कार्ड निकालेंगे और वो बताएगा क्या आपकी लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी, और बहुत सारे आपको टिप्स मिलने वाले हैं। आप स्माइल करें, जो भी कोई काम करें उस काम को छोड़ के इस वीडियो को एंड तक देखें। और यदि आप हमें बहुत प्यार करते हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब अभी कर लिया है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, हमें पता है। सो सबसे पहले यू मस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट विद स्माइल, एंजॉय दिस वीडियो। अच्छाई, तो सबसे पहले यदि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को क्रिएट करना चाहते, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, कि दुनिया में जब भी कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है, तो बहुत सारे लोग उसको उसकी लाइफ में गुडबाय करके जाते हैं, इसकी वजह से वो अपने ऊपर काम करता है। नंबर सेकंड, जब कोई एक बहुत खूबसूरत मैन मैच्योर होता है, तब वो मैच्योर होता है जब उसको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि जब तक वो अपने घर में वैल्यू ऐड नहीं करेगा, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एंड नंबर थ्री, सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करूं, तो वो आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आप फिगर आउट करें मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, व्हाट डू आई रियली वांट। और आप हमेशा ये बात याद रखें, यदि आप गाड़ी सीखना चाहते हैं, तो यदि गाड़ी पार्क्ड होगी, आप गाड़ी को नहीं सीख सकते, आपको रोड पे जाना पड़ेगा। इसीलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसको फिगर आउट करो और उसके ऊपर अभी काम करना शुरू करें। आप मुझे सोचें, हम तो डिसिप्लिन का वीडियो देख रहे हैं, जी हमें जे कौन सी बातें बता रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आप अपने आप को विजन बनाएं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। आपको पता है, यदि आपका गोल कोई आपने सेट किया है, यदि आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो वो एक सिर्फ ड्रीम रह जाएगा, वो जल्दी डिसअपियर हो जाएगा आपकी लाइफ से। तो अब आपको अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज अ डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो डिसिप्लिन है वो क्या एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है सेल्फ लव की। जब हम अपने आप को प्यार करने लग जाएंगे स्ट्रॉन्गली, तो हमारे में खुद बे खुद डिसिप्लिन आ जाएगा। तो यदि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना चाहते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू। तो क्या होगा उसके लिए, हम आपको तीन मेथड बताते हैं कि तीन है कि यदि आप करुणा रेखी का रामबा सिंबल यूज करते हैं, रामबा सिंबल अपनी थर्ड आई पे यूज करते हैं, सैक्रल चक्रा पे आप रामबा साइन यूज करते हैं, तो रामबा साइन अपनी क्राउन चक्रा पे यूज करते हैं, तो आप उससे क्या होगा, आप में डेडिकेशन आ जाएगी, आप में जो बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव थॉट होते हैं वो ऑटोमेटिक डिसअपियर होने लगेंगे। और सेकंड, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया रामा सिंबल का, फुल वीडियो मेडिटेशन का वॉच कर सकते हैं। और सेकंड क्या कि आपको अपना सेल्फ टॉक चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो सेल्फ टॉक है वो हमें बहुत एग्जॉस्टेड कर देता है, बहुत टायर्ड कर देता है। मैं आपको तीन स्टेटमेंट बताती हूँ कि कैसे आप अपने नेगेटिव टॉक को चेंज कर सकते हैं। नंबर वन, यदि आप ऐसा सोचते हैं पास्ट के बारे में कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बार बार उसको सोच रहे हैं पर कुछ नहीं कर सकते, आप उससे डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप उससे अपसेट हो रहे हैं, तो अब आपने उसको क्या चेंज करना है कि मैंने ऐसा किया, मुझे इससे लेसन क्या मिला, मैंने क्या सीखा जो अब मेरी जिंदगी में ग्रोथ को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो मीनिंग चेंज हो गया, फीलिंग चेंज होगी। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आपको लगता है कि
जो राउंड पीपल हैं वो मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड मेरे से आगे जा रहे हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो आपने ये कहना है कि मैं किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करता, मेरा खुद के साथ कंपटीशन है। मैंने खुद को अपने आप को बेटर बनाना है। खुद को मैं कैसे और अच्छा बेटर बना सकता हूँ? यू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ कैन आई डू इट मोर बेटर, मैं आपको इसको और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं और इसको और कैसे इंजॉय कर सकता हूँ? आपने ये क्वेश्चन पूछना इंस्टेड ऑफ दिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो अभी जी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी सक करता है। तो अब आपने इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में कैसे लेके आना है? गेस करें कि जो मेरे साथ हो रहा है जी, मुझे क्या सिखाने की कोशिश करता है जी, मुझे क्या टीच करने की कोशिश करता है जो मेरे साथ जी हो रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में कौन से 3 एक्शंस लेने हैं जिससे मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता हूँ। राइट, एंड अब हम आपके लिए एक टारो कार्ड निकालते हैं कि यूनिवर्सल आपको क्या मैसेज देती है। और प्लीज आप यूट्यूब पे जाए, रामा साइन की मैंने मेडिटेशन को पोस्ट किया, वो रामा साइन आपकी लाइफ में मोटिवेशन और डेडिकेशन और डिसिप्लिन क्रिएट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और यदि आप रामा साइन की ट्यूनमेंट लेना चाहते हैं, उसके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको किसी की ट्यूनमेंट दे दूंगी। यदि आपको और अच्छा कोई रेकी टीचर मिलता, आप उसके साथ उसकी रामा साइन की ट्यूनमेंट ले सकते हैं। चलो आप कार्ड निकालते हैं कि टारो कार्ड आपको क्या मैसेज करता है। बहुत प्यारा मैसेज आया, गेस करें क्या मैसेज है। पहले स्माइल करो, मैं फिर बताती हूँ। जी मजिशन का कार्ड है, एक कार्ड जो भी मेरा वीडियो एट द मोमेंट हु इज वॉचिंग माई वीडियो, उसके लिए यूनिवर्सल जे मैसेज सेंड करती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही, पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं, कंग्रेचुलेशन फॉर दिस। यूनिवर्सल को भी पता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज बहुत है और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कार्ड आपको ये मैसेज देता है कि आप दूसरों के लोगों के ऊपर इंडिपेंडेंसी खत्म करो, खुद पे डिपेंड करें, खुद पे बिलीव करें, खुद को बोलो, क्योंकि जे आपके सपने हैं, जे आपका विजन है, आपने इसको खुद अचीव करना है। दूसरे लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। जब आप सक्सेस लेवल पे चले जाएंगे तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। अभी वो आपको कार्ड बता रहे कि यू मस्ट टेक एक्शन बाय योरसेल्फ, दूसरों लोगों के ऊपर उम्मीद करना बंद कीजिए और अपनी पावर को यूज करो, अपनी विजडम को यूज करो। आपको कोई नहीं स्टॉप कर सकता जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कैसे लगा? तो जब आप सुबह उठेंगे, आपने अपने से यही पूछना है कि मैंने अपने आप से मैं प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। तो यदि आपके माइंड से, आपके हार्ट से ये वॉइस आती है, आई लव माई सेल्फ, तो आप उसी वक्त उठ जाएंगे। और जो आपने अपने लिए विजन क्रिएट किया है, आप उनसे पूछो कि मैं अपनी जिंदगी में इसको कितनी जल्दी अपनी लाइफ में रियलिटी में लेके आना चाहता हूँ, तो आप उसी वक्त उठ जाएंगे। तो फिर आपने अपने आप से पूछना है, क्या मैं यदि ऐसी अपनी लाइफ में रहा तो आफ्टर 5 ईयर मेरी लाइफ कैसी होगी, आफ्टर 10 ईयर मेरी लाइफ कैसी होगी, तो मुझे कैसे लिव करना है? तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको खुद ही वो एनर्जी, वो पावर दे देगा, आपको डेडिकेशन आ जाएगी। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, तो थैंक यू वेरी मच। और हम आपको बताएं, हमें आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए प्लीज आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें प्यार करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम आप इतने खूबसूरत वीडियो आपसे बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि इस चैनल पर आएँ और बहुत अच्छे वीडियोस देखें। एंड थैंक यू वेरी मच, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत सारी लव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, इसको रिसीव करें और हमको बहुत सारी गुड विशेस सेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।